the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, has died at the age of 91. इतिहास जरूरत के हिसाब से लोग किसी को नायक और किसी को खलनायक बना देते हैं। बात करते हैं पूंजीवादी देशों के नायक और खुद के देश के खलनायक मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। एक महाशक्तिशाली देश के विघटन का नेतृत्व करने वाले मिखाइल गोर्बाचेव की जिंदगी आसान नहीं रही है। हर पल खुशनुमा अंदाज में रहने वाले मिखाइल गोर्बाचेव की तमाम प्रसिद्धियों के बाद अपने ही देश में नजरबंद होने की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी और हालात ये हो गए कि उनको अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। हालांकि उन्होंने बाद में वापसी के तमाम प्रयास किए लेकिन उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए। 2001 के आसपास हुए चुनाव में उनको केवल 0.5% हासिल हुआ। अंततः उन्होंने राजनीति से मुक्त मोड़ा। हिंदुस्तान के इतिहास में हर पॉपुलर को महानायक का तमगा दे दिया जाता है, यहाँ तक कि अभिनेताओं को भी, जैसे अमिताभ बच्चन। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के डायलॉग काफी प्रसिद्धि बटोरे हुए हैं। अब जब दीवार की बात हो ही गई है तो मिखाइल गोर्बाचेव और उनसे संबंधित दीवार की बात कर लेते हैं और जानते हैं जर्मनी के बारे में। विश्व के तमाम न्यूज़पेपर्स में जर्मनी के बारे में तमाम खबरें चल रही थी और आज की वीडियो में उन खबरों से संबंधित एक घटना को और मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में जानेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हर मोर्चे पर सफल साबित हो रहा था लेकिन हिटलर ने एक गलती कर दी संसार के ऊपर आक्रमण करके और उस गलती के बदले उनको पराजय स्वीकार करना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के पश्चात जर्मनी को एलाइड देशों ने अपने हिसाब से चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन चार पार्ट में से तीन पार्ट को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का नाम दिया गया, वहीं एक पार्ट जो यूएसएसआर के हिस्से में आया उसे ईस्ट जर्मन के नाम से जाना गया। समझ लेते हैं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को। कैपिटलिज्म का सीधा अर्थ पूंजीवादी, अर्थात प्रतिस्पर्धा होगी तो जितना करेगा उतना पाएगा। वहीं कम्युनिज्म को समाजवाद से जोड़ा गया है, हर किसी को एक समान नजरिए से देखने की बात, समान वेतन, समान नजरिया। सुनने में तो कम्युनिज्म बहुत अच्छा लगता है परंतु जर्मनी में इसके परिणाम बेहद भयावह देखे गए हैं। लोग तेजी से पश्चिम जर्मनी जा रहे थे और अगर आंकड़ों की बात करें तो 6 सालों में लगभग 30 लाख लोग से ज़्यादा पूर्वी जर्मन से पश्चिमी जर्मन को पलायन हो गए। इस पलायन को देखते हुए एक जर्मनी ने अपने हिस्से के ईस्ट बर्लिन में रातों ही रात कटीले तार और बाउंड्री वॉल को खड़ा कर दिया जिससे कि पलायन को रोका जा सके। लेकिन परिणाम यह हुआ कि लोगों का पलायन नहीं थमा, सरकार को उन तारों में करंट को दौड़ाना पड़ा। फिर भी जब लोग नहीं रुके तब एक भयावह ऑर्डर दिया गया कि जो भी लोग इस दीवार को पार करने की कोशिश करे उनको शूट कर दिया जाए। 12 जून 1987 को बर्लिन शहर के बैडनबर्ग गेट पर राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ऐतिहासिक भाषण दिया। Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. आप वीडियो के जरिए बैडनबर्ग गेट को देख सकेंगे जहां पर रोनाल्ड रीगन ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। उनके इस संबोधन के बाद गोर्बाचेव की ओर पूरी दुनिया देख रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने पूर्वी बर्लिन से पश्चिम बर्लिन के लिए या ईस्ट जर्मन से वेस्ट जर्मनी की ओर जाने के लिए दिए जाने वाले वीजा में कुछ छूट देने की बात की गई, परंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जब एक अधिकारी से बात की गई तब उन्होंने कहा कि हम लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी के आवागमन में जो रोक है उसको हटाने जा रहे हैं। और हुआ यूं कि रात में ही हजारों की भीड़ बर्लिन वॉल के पास आ गई और उस दीवार को तोड़ दिया। पूर्वी बर्लिन के लिए पश्चिम बर्लिन एक स्वप्न जैसा था। एक कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की ओर आए लोग स्तब्ध थे कि 30 साल बाद बर्लिन कितना बदल चुका है। जहां पूर्वी बर्लिन में दीवार की तरफ जाना भर मना था वहीं पश्चिम बर्लिन में दीवार पर काफी सारी पेंटिंग बनी हुई थी और उन पेंटिंगों को अब विश्व के तमाम संग्रहालयों में संरक्षित किया गया है। आप
इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वी बर्लिन के लोगों का जीवन कैसे रहा होगा कि जब वो पश्चिम बर्लिन में आए तब उन्होंने पहली बार देखा कि मैकडोनाल्ड जैसा पिज्जा कोई चीज होती है। और इसका कारण केवल एक ही है कि कम्युनिटी में वहाँ पर इस तरह की किसी भी कंपनी को कोई इजाज़त नहीं थी। तो मिखाइल गोर्बाचोव की जिंदगी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना को हमने बताया। और अब जान रहे हैं मिखाइल गोर्बाचोव जो कि सरकार के विक्टर के नेतृत्व करने वाला जो नाम दिया गया क्योंकि उनके समय में ही सरकार का अंत हुआ और एक नए रूस का उदय हुआ जिसका हाल ही में 25 अगस्त को कैंसर के कारण निधन हो गया। विश्व भर के तमाम मीडिया इस खबर को कवरेज करने में लगी हुई थी क्योंकि इस उनके अंतिम यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन का रवैया क्या होने वाला है क्योंकि पुतिन ने उनके अंतिम यात्रा में भाग नहीं लिया। मिखाइल गोर्बाचोव से एलपीजे लाइब्रेरी में जब एक इंटरव्यूकर्ता ने जब उनसे रशिया के बारे में कुछ प्रश्न किए तब उनके अंदाज आप सुन सकते हैं। We shall do that, and please don't even try to intervene in those Russian affairs.